सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो के। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हायरार्की है इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये सिस्टमैटिक अप्रोच है हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स को जो है वो रैंक दी गई है उसके इफेक्टिवनेस के अनुसार। जब आप हायरार्की को बॉटम से यूज करते हो तो उसके जो कंट्रोल्स है वो बहुत ही लेस इफेक्टिव है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ती जाती है। मान लो कोई भी वर्कर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो सबसे पहले हमें उस एक्टिविटी में जो मौजूद हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उस हजार से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका जो सेवरिटी रेट है वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके अनुसार हमें ये जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स है उसको सेलेक्ट करना है। और मान लो जैसे ही उसकी रिस्क हाई है तो हमें हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स जो है वो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स है क्या। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में जो ऊपर की स्टेज है वो मोस्ट इफेक्टिव है और जो नीचे की स्टेज है वो है लीस्ट इफेक्टिव। यानी कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे उसकी इफिशियंसी जो है वो कम होती जाती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसकी इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाती है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में टोटल 5 टाइप है। सबसे पहले है एलिमिनेशन, फिर है सब्स्टिट्यूशन, फिर है इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और लास्ट में आता है PPE। इसे हम शॉर्ट में ERICPD भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स को हमें कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला है एलिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि वर्क प्लेस में जो भी हजार्ड मौजूद है उसको हमें रिमूव करना है या फिर एलिमिनेट करना है। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो हाईली हजार्डस इक्विपमेंट हो, कंडीशंस हो, प्रैक्टिस हो या फिर प्रोसेस हो उसको हमें रिप्लेस करना है लेस हजार्डस कंडीशन से, प्रैक्टिस से या फिर प्रोसेस से। फिर उसके बाद आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। उसमें हम फिजिकली चेंज कर सकते हैं कि जो भी एक्सपोजर है एक्टिविटी का उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या फिर जो हजार्ड है उस हजार्ड से वर्कर को आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को करने का जो तरीका है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। और लास्ट में आता है PPE, यानी कि प्रोटेक्ट द वर्कर विथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी कि जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको हमें सफिशियंट PPE देनी है उस काम को करने के लिए। आइए देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला आता है एलिमिनेट। उसका एग्जाम्पल है रिमूव द ट्रेलिंग केबल, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल वायर है जो एक्सेस में रखी गई है जिसकी वजह से आदमी गिर सकता है उसको ही हमने रिमूव कर दिया, यानी कि उस हजार्ड को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं सेकंड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम रिड्यूस भी कह सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी सोर्स है उसमें से हमें रिस्क को रिड्यूस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं लो वोल्टेज टूल्स, जिसका जो इम्पैक्ट है या फिर जो होने वाली जो इंजुरी है उसको हम कम कर सकते हैं। थर्ड आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, इसे हम आइसोलेट भी कह सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी हजार्ड है उसको इनक्लोज करना है या फिर उसको कंटेन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी डेंजरस पार्ट है मशीन्स का उसको हमें गार्ड करना है। यानी कि ग्राइंडिंग मशीन अगर आप यूज कर रहे हो उसका व्हील है और उसको गार्ड नहीं है, उसकी इंजुरी ज्यादा हो सकती है, तो हमें उसको क्या करना है, उसको गार्ड करना है। फिर उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जिसे हम कंट्रोल कह सकते हैं। इसमें हमें टाइम ऑफ एक्सपोजर जो है वो कम करना है। जैसे कि कोई कन्फाइन स्पेस में आप काम कर रहे हो और उसमें बहुत ही ज्यादा हीट है क्योंकि वहां पर जो है वो नेचुरल एयर पास नहीं होती, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो टाइम ऑफ एक्सपोजर है वो कम कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल वर्किंग हावर्स में अगर हम 2 घंटा काम कर रहे हैं तो वहां पर 1 घंटा काम करें या फिर 30 मिनट काम करें। उसके बाद आता है हमारा लास्ट हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, वो है PPE। इसका मतलब ये है कि कुछ हमें ऐसी चीज प्रोवाइड करनी है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट में उस चीज का इस्तेमाल किया जाए और उसकी वजह से जो होने वाली जो इंजुरीज है उसको रिड्यूस किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम वर्कर को इश्यू करते हैं सेफ्टी हेलमेट्स हो या फिर बूट्स हो, इस PPEs का इस्तेमाल करके जो भी होने वाली इंजुरीज है उसका जो इम्पैक्ट है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट में जो है ERICPD के रूल के अनुसार आता है डिसिप्लिन।
यानी कि इसमें हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी प्रोसीजर्स है और जो रूल्स है वो सब फॉलो हो रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो एक्शन ली जा रही है। अगर मान लो कोई इस प्रोसीजर को या फिर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शंस ली जा रही है। तो इसमें हमने देखा कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स जो है वो पांच है। सबसे पहले है इलिमिनेशन, फिर है सब्स्टिट्यूशंस, फिर है इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फिर है पीपी। हमें हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स को कैसे ध्यान में रखना है तो सिंपल फार्मूला है, वो है ERICPD। आपको ध्यान में रखना है ERICPD। ERICPD अगर आपके ध्यान में है तो आप समझ जाओगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ई यानी कि इलिमिनेशन, आर यानी कि रिड्यूस जिसे हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, आई फॉर आइसोलेट जिसे हम इंजीनियरिंग कंट्रोल भी कहते हैं, सी फॉर कंट्रोल यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पी फॉर पीपी और डी फॉर लास्ट में है डिसिप्लिन। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स के बारे में पता चल गया होगा और आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।